जा रहे हैं डॉक्टर के पास और 7 दिन हो चुके हैं। मेरे टांके लगाए थे जो कान में स्टिच, तो ये देखिए टेप अभी वैसी की वैसी है। डॉक्टर ने बोला था उतर जाए तो ऐसे करना, मेरी तो बिल्कुल सेफ है, एकदम सेफ, वही वही उतारेंगे उसको। मैं फिर लेकिन सेफ जगह पे, और अपने आप को बचाएं और एंजॉय करें, तो ये सब है खतरों के खिलाड़ी ना बने। तो फ्रेंड्स हम तो इसके खिलाड़ी हैं, गैस ऑन कर दिया लाइटर से, खतरों के खिलाड़ी नहीं है हम, तो खाना बनाने के खिलाड़ी हैं, तो वही करते हैं। चलिए पकौड़े बन रहे हैं, बारिश का भी मौसम है थोड़ा, और बारिश के बादल हैं, बारिश नहीं आई है अभी, लेकिन पकौड़े तो खा ही सकते हैं। तो यहाँ पे राधिका आ चुकी है अपने पीहर से मजे करके, स्कूलें खुल गई है, लोगों ने पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमोज खा के अपने शरीर को बिगाड़ लिया। जिंदगी सुधर जाएगी या फिर बेहतर हो जाएगी जिस दिन इन्होंने अपने घर के खाने या देसी सब्जियों को अपना लिया। वाह वाह क्या बात। मैं हूँ प्रमिला सिंह, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलास कुक बुक पर, और मेरे घर में और किचन में भी। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कई लोग होते हैं ब्लॉग वगैरह देखते हैं, रेसिपी भी देखते हैं, तो बस देख के बंद कर देते, नहीं पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा कभी बोलती भी नहीं हूँ, मैं तो भूल ही जाती हूँ, तो मैंने ये सोचा इस बार मुझे बोलना पड़ेगा कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग मेरे चैनल को पसंद करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी ब्लॉग रेसिपी आप देख सकें, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। मानसून आ गया है, बारिशों के सीजन चल रहे हैं, तो बारिश आपके यहाँ भी हो गई होगी, हमारे यहाँ भी बहुत लेट आई, 2 महीने तो इतनी भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ा, तो अब सभी जगह करीब करीब मानसून आ गया है, तो सब बारिश एंजॉय कर रहे हैं, ठंडक हो गई है थोड़ी, उमस भी बढ़ रही है थोड़ी, अभी तो कम ही आई है हमारे यहाँ। फ्रेंड्स यहाँ मैंने बना दिए हैं गुजराती थेपले, जो गुजराती लोग थेपला बोलते हैं, हम तो पराठा बोल देते हैं, और ये है दाल सब्जी का लेफ्ट ओवर, दाल और सब्जी जैसे बच गई है और कोई नहीं खा रहा है, थोड़ी थोड़ी सी पड़ी होती है, वैसे तो नाप से ही बनाते हैं, तो बहुत थोड़ी थोड़ी पड़ी है, ठंडी कोई नहीं खाता, गर्म सब्जी बन जाती है दूसरे दिन, तो उसको फेंकेंगे नहीं, उसका उपयोग कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ी आलू की और सब्जी और मूंग चने की दाल दी, तो मैंने उसको आटे में मिला के, प्याज है, ग्रीन चिली है, सब मसाले हैं थोड़ा सा, सभी मिला के, और मैंने ये बना दिए हैं पराठे, बहुत टेस्टी लगते हैं, नाश्ते में बना लेते हैं, और जो बची हुई चीज़ होती है उसका भी उपयोग हो जाता है। एक साइड में मैंने दाना मेथी, यानी मेथी दाना सूखी होती है, उसको बॉईल करके रखा है, इसका 2-3 पानी से धो लेंगे। अब दाना मेथी पापड़, यानी पापड़ मेथी की सब्जी बनाऊंगी मैं, बहुत टेस्टी लगती है, तो दादी सा ने बोला कि पापड़ मेथी रो साग बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है वही बना लेंगे, अच्छी बन जाती है। और ये देखिए आप पराठे तो बन ही रहे, और साथ ही साथ जैसे कई बहुत बार कई चीज़ें हमारी बन जाती है, तो चावल को छोंक लगा देते हैं, कई बार कड़ी पत्ता, प्याज, हरी मिर्ची डाल के, राई जीरा डाल के, बहुत टेस्टी लगता है, टमाटर वगैरह डाल लीजिए और छोंक लें चावल को, नहीं तो चावल का आप रायता बना सकते हैं, मीठा और नमकीन दोनों तरह से दही में डाल के, तो वैसे भी उसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब कुछ भी बची हुई लेफ्ट ओवर जो चीज़ें होती है ना, जो बच गई है, घोल बच गए, जैसे कई बार इसके डोसे के, तो उत्तपम बना लें, कुछ भी बना लें, तो इस तरह से हम उन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। मसाले वाले पराठे, यानी कि दाल सब्जी वाले पराठे या थेपले बोल सकते हैं गुजराती में, हमने वो तो बना लिए हैं, मैंने और इसके पापा के, लेकिन अर्जुन आज जिम नहीं जा रहा है, तो उसने कहा मैं जिम, वैसे तो वो पराठे वगैरह खाते ही नहीं, वो तो अपने अलग चीज़ें खाता है, तो उसने बोला आज तो मैं भी पराठे खाऊंगा कैर कुमटे के साथ, कैर कुमटे यानी कैर सांगरी की सब्जी, उसका सबसे बड़ा फैन है हमारे घर में अर्जुन, अर्जुन सिंह को बहुत पसंद है, तो उसने बोला मैं खाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है चलो भाई, तो उसने बोला मैं ये थेपले वेपले ये मसाले वाले पराठे नहीं खाऊंगा, मैं तो सादा पराठा खाऊंगा, तभी मजा आएगा उसके साथ में, तो भैया कभी कभी खाते हैं, तो मैंने ये बड़ी सी एक रोटी बेल दी है, इस पे घी लगा दिया है, तो इसके लिए आज मस्त वाला, कभी कभी खाते हैं तो पराठा बना देते हैं, तो ये बना देते हैं लच्छा पराठा स्टाइल में, तो ये देखिए इस तरह से, और इसको यहाँ से सील कर देंगे,
और ये बना देंगे हम इसके लिए मस्त वाला लच्छा पराठा। बहुत सारे स्टाइल में बनता है लच्छा पराठा, अलग अलग तरीके से बनता है। जब तक एक पराठा सीख रहा है तो दूसरी स्टाइल भी देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा घी डालेंगे, तो घी तो बहुत ज़रूरी है, बहुत डालना। तो ये देखिए घी हमने फैला दिया है इसके ऊपर, और अब मैं डालूँगी इसके ऊपर सूखा आटा। अब इसको कर देंगे इस तरह से फोल्ड, फिर इस तरह से फोल्ड, फिर इस फोल्ड पे भी हमको लगाना है थोड़ा सा घी, और फिर से इसके ऊपर डालना है हमको सूखा आटा, और फिर इसको इस तरह से करना है फोल्ड। हम इसको पलट लेंगे और हल्का सा चिकना हक कर देंगे इस तरह को भी, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा आटा, और अब ये इस तरह से फोल्ड। तो ये बन गया है हमारा। अब सूखा आटा लगा के बेलूंगी, पहले उसको सेकती हूँ। तो अब इस पर लगाएंगे घी। कभी कभी खा सकते हैं आप बना के, रोज इतना घी नहीं खाते हैं सब जने, कभी कभी खा सकते हैं। तो ये देखिए अर्जुन को क्रिस्पी क्रिस्पी पसंद है, और ये बीच बीच में से ये देखिए लाइनें आपको दिख रही होगी, थोड़ी थोड़ा क्रिस्प कर दिया मैंने, अच्छा सा हो जाता, बहुत अच्छा। आप भी इस तरीके से बना के देखिए, बच्चों को पसंद आएगा क्रिस्प क्रिस्प एकदम से। तो ये गए तवे पे हमारा दूसरा पराठा। भाई मैंने पराठे और कैर को मटिया ले लिए हैं, लेकिन मम्मी इन चीज़ पे ना मैं एक आपको कुछ चंद लाइनें अभी मेरे मन में आई है वो मैं सुनाना चाहूँगा। लोगों ने पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन मोमोज खा के अपने शरीर को बिगाड़ लिया। जिंदगी सुधर जाएगी या फिर बेहतर हो जाएगी जिस दिन इन्होंने अपने घर के खाने या देसी सब्जियों को अपना लिया। अपना ही है गाइस, वैसे ही कितनी ज्यादा मिलावट और हो रखी है, तो घर के खाने को तवज्जो दें। नाश्ता वगैरह हो गया है और अब आ रही थी सब्जी बनाने की बारी। तो दादी सा ने जैसे कि बोला था पापड़ मेथी रो साग मानो, दाणा मेथी पापड़ रो साग कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो मैं बना रही हूँ, उसकी मैंने तैयारी करके रखी है। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बारिशों के सीजन है, मानसून आ गया है, तो बारिशों के सीजन के चलते क्या है कि लोग उमड़ पड़ते हैं पिकनिक स्पॉट की तरफ, पहाड़ों पे हो सकते हैं, नदी तालाबों के यहाँ, बांध के यहाँ, झरनों के यहाँ, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं अलग अलग अपने जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ पे अलग अलग पिकनिक स्पॉट है हमारे, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, एंजॉय करना तो बहुत ठीक है, बच्चे जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो कहीं पे जाएंगे रास्तों में दूर दूर बाइक पे, कारों में कहीं स्टंट करते हैं, भैया वो ना करें। उसके अलावा जहां वहां जाएंगे ना, जैसे झरना तालाब है, अगर आपको तैरना भी आता है तो भी देख के जगह पानी बहुत ज्यादा है, बहाव तेज है, तो कभी ना उतरे ऐसी जगह पे, कई बार कई हादसे हो जाते हैं। और पेरेंट्स तो बेचारे सोचते हैं कि हमारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, वहां पे बच्चे हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो इस तरह की चीजों से बचे। फिर वहां जाके बच्चे क्या करते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे जाएंगे जो खतरनाक जगह है थोड़ी सी, तो वहां खड़े होके सेल्फी ले रहे हैं, एक जना उसकी रील बना रहा है, रील बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं। अरे भैया ले लो, अच्छी जगह पे ले लो, गार्डन में लो, झरनों के पास सेफ जगह पे खड़े हो जाओ। ऐसी जगह पे क्यों खड़े होते हो जहां पे आपकी जान को खतरा हो, आपके पेरेंट्स दुखी हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छा मौसम है, जाइए एंजॉय कीजिए और अपने आप को भी बचाइए, सेफ जगह पे रहिए और खूब आनंद उठाइए, खाइए पीजिए और अपना घूमिए, गार्डन में जाइए, झूले खाइए, जो करना है वो करें, लेकिन ऐसी चीजों से बचें। कई बार क्या होता है कि तैरना आता है किसी को, भाई तैरना तो सबको आता है पर कोई इतने जांबाज तो होते नहीं है, बहुत अच्छे स्विमर हैं जैसे, तो हल्का फुल्का तैरना भी आता है, हो हम तो तैर लेंगे भैया, नदी आई है पानी, अरे भाई बहाव तेज है, आपका वो तैरना भी फेल हो जाएगा वहां पे। तो ऐसी जगह पे बिल्कुल ना उतरे, सेफ जगह है, थोड़ा सा कम पानी है, वहां तैर लें, आपको अगर तैरना है वो भी देखें, अच्छी जगह है, सेफ जगह है, तभी उतरे।
तो कहीं पे क्या होता है, कई नदियों में और भी कई तरह के जानवर, कुछ खतरा होता है, इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, बोर्ड लिखा होता है, तभी भी लोग चले जाते हैं, ना जाएं ऐसी जगहों पे। तो यही मेरा कहना है कि घूमें फिरें लेकिन सेफ जगह पे, और अपने आप को बचाएं और एंजॉय करें। तो ये सब है खतरों के खिलाड़ी ना बने। तो फ्रेंड्स हम तो इसके खिलाड़ी हैं, गैस ऑन कर दिया, लाइटर से, खतरों के खिलाड़ी नहीं है हम, तो खाना बनाने के खिलाड़ी हैं, तो वही करते हैं। चलिए तो यहाँ पे ऑयल रखा है, इसके अंदर डालेंगे हम जीरा। तो बना रही हूँ दाना मेथी पापड़ या पापड़ मेथी की सब्जी। और मेथी है हमारी, ये देखिए बॉईल करके रख दी थी, अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया, पीला पीला पानी निकलता है ना, तो कड़वापन निकल जाता है इसका। तो अब इसमें ये बारीक कटा हुआ प्याज है वो मैं डाल दूंगी, एक बड़ा प्याज है ना, बारीक बारीक काट के रख दिया था। फ्रेंड्स हमारे यहाँ तो क्या होता है ना, ज़्यादातर बेसन की सब्जियाँ बन जाती है, सब्जियाँ नहीं होती थी पहले, हरी सब्जियाँ गाय भैंसे होती थी, दूध दही होते थे, तो वही कढ़ी और बन जाती थी, बेसन का उपयोग हो जाता था दूध दही का। और जैसे हमारी सूखी सब्जियाँ क्या है, सांगरी घुमटिया वगैरह, तो ये हमारे रेगिस्तान में भी लगते हैं, उनका उपयोग कर लेते थे, सुखा देते थे, फिर उनको उबाल के भिगो के। और अब जैसे ये पापड़ मेथी है, तो मेथी को बॉईल कर लिया, पापड़ है, पापड़ बना के रख लेते थे, खींचे बनाते, पापड़ बनाते, तो पापड़ की खाली, पापड़ की भी थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी हो जाती है, जैसे ये पापड़ मेथी की सब्जी हो गई। तो इस तरीके की सब्जियां ज़्यादा बनती थी हमारे इधर राजस्थान में। और अभी भी बड़े बुजुर्गों को इन सब्जियों का बेहद क्रेज है, गट्टे की सब्जी हुई, कढ़ी हुई, तो ना ये सब्जियां हम, मुझे तो हमारे घर में सभी को बेहद पसंद है। तो मैं एक तो ऐसी बाजार की सब्जी, हरी सब्जी बना लेती हूँ साथ में घर की घरेलू सब्जी, तो इस तरह से दोनों दो सब्जी हो जाती है, हरी सब्जी हो जाती है, घरेलू ये साग हो जाता है, जैसे कि कढ़ी हो गई, पापड़ बढ़िया, गट्टे, इस तरह की सब्जियाँ बना लेते हैं। बीच बीच में कभी राजमा है, छोले है, और दालें तो सभी तरह की बनाते ही हैं, तो दालें भी मैं एक तरह की नहीं बनाती हूँ, रोज चेंज करके बना लेते हैं, कभी अरहर की दाल, कभी मूंग चने की, और कभी मोगर भी धो दिया, मोगर मेथी, तो कभी है ना मसूर की दाल, तो इस तरह से बना लेते हैं। अब हमारे प्याज थोड़े से भून गए हैं, बहुत ज़्यादा इनको नहीं भूनना है। अब ये अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें जो मैंने बना के रखती हूँ रूम में वो मैंने डाल दी। तो ये सारी रेसिपी क्या है, मेरे चैनल पे बनी हुई है, पर फिर भी मैं ब्लॉग में दिखाती रहती हूँ, कोई अभी यदि नहीं देखना चाहे ब्लॉग देखता है तो इसके जरिए भी मैं कई बार अच्छे से सिखाती हूँ कि देख के बना सकते हैं। बारी आती है अदरक लहसुन थोड़ा भून गया, तो बारी आती है इसमें गैस को धीमा कर देते हैं मसाले डालने की। तो आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, आप लोग जिस मात्रा में, मतलब जिस अपने अपने परिवार के क्या है कि सदस्य होते हैं, भाई 8 सदस्य हैं, 10 हैं, 4 हैं, तो उस हिसाब से बना सकते हैं। तो हम लोग तो घर में 4-5 जने हैं, तो उस हिसाब से बना लेते हो, 5 जने हैं, दादी से तो थोड़ी सी खाते हैं, तो समझो 4 मेरी करीब ही होती है, तो बस वो उनको शौक है, वो बोल देते हैं ये सब्जी खानी है, बाकी वो तो बहुत थोड़ा सा खाते हैं, लेकिन हाँ जो हर रोज पूछते हैं कई साग बढ़ाया हो, कई सब्जी, एक सब्जी अब तो दूजो कई साग बढ़ाया हो, मतलब कि 2 सब्जी तो होनी ही चाहिए हमेशा से बनती है, कई राय तो बनाए हो, कहना राय तो बनाए हो, ऐसे पूछते हैं। तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची डाल दी और नमक डाल दिया टेस्ट के अनुसार, स्वाद के अनुसार डाल ले, थोड़ा पापड़ होता है उसमें भी थोड़ा खार होता है, तो अपने आप देख के डालें अपने हिसाब से, और मिर्ची वगैरह भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये मसाला थोड़ा भून गया है, बारी आती है इसमें दही डालने की। तो हमारी जो ट्रेडिशनल सब्जियां हैं राजस्थानी, उनमें ज़्यादातर दही का ही प्रयोग होता है, टमाटर कम डालते हैं, अब आजकल तो सब अपने हिसाब से टमाटर भी डाल लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन असली जो तरीका होता है ट्रेडिशनल, तो उसमें तो दही डलता है। तो ये देखिए मैंने दही डाल दिया, थोड़ा भूंजेंगे इस मसाले को, मसाला तो भून गया है, अब ये उबली हुई जो मेथी है, काली मेथी हम डाल देंगे, थोड़ी सी देर मसाले में पका लेंगे मेथी को भी, वैसे तो उबली हुई है, थोड़ा पानी डाल देते हैं, 1-2 मिनट हमने पका लिया। और अब ये देखिए ये पापड़ के टुकड़े, पापड़ को सेक के मैंने, कई लोग फ्राई करके डालते हैं, लोग बोलते हैं हम फ्राई करके डालते हैं, कई लोग कच्चे भी डालते हैं, तो मैं तो हमेशा ऐसे सेक लेती हूँ, बस सेका हुआ पापड़ मैंने डाल दिया है, पापड़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता, नहीं तो बिल्कुल गल जाता है, थोड़ा सा बस हिला देंगे इसमें, पापड़ हल्का सा हो जाएगा, और फिर उसमें गैस को हम ऑफ कर देंगे, और ये थोड़ा सा पानी और डाल दूँ क्योंकि ये सोखता है पानी, तो बहुत ज़्यादा ऐसे लथपथ होता है, वैसे गाढ़ा गाढ़ा रहेगा, ज़्यादा ग्रेट मतलब झोल इसमें रस्सा नहीं करते ज़्यादा, ऐसा पानी मैंने और डाल दिया, ये देखिए आप, बस अब मैं गैस को ऑफ कर दूँगी, ये पड़ा पड़ा ही थोड़ा सूखा हो जाता है, जैसे पापड़ में पक गए हैं, पापड़ सेके भी थे हमारे, ये देखिए गैस को ऑफ कर दिया, पापड़ मेथी की सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई। अगर किसी को थोड़ा रस्सा रखना है तो इस तरह से थोड़ा गीला रख सकते हैं,
और सूखा भी रख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। तो हमारी ये पापड़ मेथी की सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स, काम तो हो चुका है, लंच भी बन चुका था, लेकिन अर्जुन हमेशा कहते हैं ना कि आप कुछ ना कुछ करते हो, तो रायता जैसे बनाती हूँ। दही खाना चाहिए गर्मियों में, लौकी का रायता बनता है, बूंदी का बनता है, और भी कई तरह के रायते बनते हैं, फ्रूट के बनते हैं, बहुत सारे, चावल का बना सकते हैं, नमकीन या मीठा कैसा भी। तो आज मैंने सोचा कि अभी चल रहा है सीजन आम का, तो आम का रायता बना लेते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी मैंगो रायता, कभी कभी कुछ अलग करती हूँ। वैसे तो सबको ज्यादातर बूंदी का रायता पसंद, तो मैं बूंदी का बनाती हूँ हर बार। तो मैं दही बड़े के बड़े बना के रखती हूँ, इस बार तो दादी सब ही नहीं खा रहे ज्यादा दही, तो फिर मैंने इस बार बड़े कम बनाए, एक दो बार ही बनाए। तो मैंने कहा कि रायता जरूर सबको बूंदी का पसंद आता है, तो वो तो मैं बनाती हूँ, क्योंकि आज बना लेते हैं मैंगो का रायता यानी आम का रायता। तो उसके लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए मैंने यहाँ रख दी है, पिसी हुई शक्कर है, थोड़े से काजू मैंने भिगो के रख दिए, काला नमक रख दिया, भुना जीरा पाउडर है, थोड़ी क्रीम रखी है मैंने, ये तो ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो आप खाली दही का बना सकते हैं। इलायची पाउडर है, आम काट के रखे, थोड़ी सी केसर, तो केसर तो जैसे मुझे बेहद शौक है, बिना केसर का भी बना सकते हैं आप, थोड़ी सी रेड चिली, एक टैंगनेस अच्छा सा टेस्ट आएगा, और नमक डालेंगे, और साथ ही साथ ये शक्कर तो मैंने दिखाई दी, और ये है हमारा दही। तो बाउल के अंदर डाल देते हैं दही। दही मैंने ले लिया गाढ़ा गाढ़ा, एकदम फ्रेश, सुबह जमा दिया था, तो खट्टा भी नहीं होता है। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि लम्स वगैरह ना रहे इसके अंदर। ये देखिए, फेंट लेंगे, फेंटने के बाद, फ्रिज में रखने के बाद दही है ना अच्छा सा और अच्छा क्रीमी हो जाता है, तो बस इसको हम फेंट लेते हैं। तो ये थोड़ी सी क्रीम मैं डाल दूंगी, ये तो मेरे पास पड़ी रहती है, आप लोग चाहें तो बिना क्रीम के भी बना सकते हैं, थोड़ा सा और भी बेटर टेस्ट हो जाएगा। यदि आप किसी पार्टी वगैरह के लिए बना रहे हो तो थोड़ी क्रीम भी डाल दें, तो और अच्छा टेस्टी बन जाएगा। वैसे तो आप दही में चाहे तो पल्प भी मिला सकते हैं आम का, लेकिन रायता है तो थोड़ा सा दही भी रहना चाहिए, थोड़ा आम सब दिखना चाहिए। तो अब इसमें थोड़ी सी अच्छी सी टेस्ट चटपटापन लाने के लिए लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, यदि किसी को पसंद नहीं है तो बिना मिर्ची के भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा ये हमारा नॉर्मल वाला नमक, और थोड़ा सा काला नमक, और यहाँ पे डालेंगे भुना जीरा पाउडर, क्योंकि रायता है भैया तो ये भी तो जरूरी है। और साथ ही साथ थोड़ा सा हमारा ये इलायची पाउडर, और साथ में ये जो केसर हमने घोल के रखी है वो भी डाल देंगे अच्छे से, सारी केसर की पत्तियाँ ना रह जाए भैया इसके अंदर, सब मिला देंगे। तो बारी आती है इसमें पीसी हुई शक्कर डालने की, तो जितना आप लोग मीठा खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और सभी चीज़ें तो डाल दिए, थोड़े से ये काजू मैंने पानी में भिगो के रखे थे वो भी डाल देती हूँ, आप चाहें तो इसमें किशमिश भी भिगो के डाल सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि काजू नहीं डालने तो आप मत डालिए, आम मिलाने तो ज़रूरी है, क्योंकि मैंगो रायता है भैया, तो मैंगो डालने तो मैंगो ही डाल सकते हैं, वैसे तो मैंने काजू डाले हैं, तो आपकी मर्जी है वो तो। ये देखिए, तो लीजिए हमारा मैंगो रायता बिल्कुल रेडी हो गया। ऊपर से थोड़े से मैंने आम के टुकड़े, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डाल दिया है, और इसको मैंने ऊपर से डेकोरेट कर दिया। अब ठंडा ठंडा खाएंगे, फ्रिज में रख देते हैं और बिल्कुल ठंडा करके खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप लोग भी बना सकते हैं। वो अब जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और 7 दिन हो चुके हैं, मेरे टांके लगाए थे जो कान में स्टिच, तो ये देखिए टेप अभी वैसी की वैसी है, डॉक्टर ने बोला था उतर जाए तो ऐसे कहना, मेरी तो बिल्कुल सेफ है, एकदम सेफ, वही उतारेंगे उसको। तो अब टांके देख लेते हैं, उन्होंने कहा टांके स्टिच को हटाएंगे और देख लेंगे किस तरह से क्या हुआ है, तो बिल्कुल मेरे तो सेफ है। अब एक बार उनको दिखा देते हैं, उसके बाद देखेंगे। 6-7 सप्ताह बाद उन्होंने बोला था कि वापस से चेंज करेंगे, तब आप पहन सकते हो। तो आज मैं टाँकी खुलाने गई थी, आपको बताया, तो मेरे कान की टाँकी खुल गए हैं, और अब कान अभी 2-3 महीने लगेंगे टॉप्स पहनने में। तो और यहाँ पे कान की टाँकी खुलने की खुशी में नहीं, ऐसे ही पकौड़े बन रहे हैं, बारिश का भी मौसम है थोड़ा, और बारिश के बादल हैं, बारिश नहीं आई है अभी, लेकिन पकोड़े तो खा ही सकते हैं। तो यहाँ पे राधिका आ चुकी है अपने पीहर से मजे करके, स्कूलें खुल गई है, सब जने कह रहे थे राधिका कहाँ है, तो वो अपने पीहर गई थी और आ गई है और पकोड़े बना रही है। तो आज राधिका हमको पकोड़े बना के खिलाएगी। तो यहाँ पे बन रहे हैं दादी सा के लिए प्लेन पकौड़े, उनके लिए कुछ अंदर मिर्ची और कुछ डाला नहीं है, प्लेन ही बना रहे हैं, और बाकी तो मिर्ची के, ब्रेड के, प्याज के, आलू के, सभी तरह के पकौड़े बनाए जाएंगे और फिर खाए जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे, और आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, ये जंगली घास उखाड़े, सारे पौधे हटाए, सब यहाँ कपड़ा फेंक के सफाई की मैंने,
और ये जो चौक में अलमारी है इसके अंदर मैं थोड़े गमले, मुझे बहुत हरियाली पसंद है, सब जल गए थे तो पीछे खसका दिए थे, आज मैंने वापस आगे किए, सब साफ किए, इन गमलों के अंदर से घास वास निकाली है सब, वो थोड़ी देर इतनी देर से मैं यही कर रही थी। किसी किसी में पौधे जल गए थे, उनमें मैं बाहर भी मेरे बहुत सारे उसमें से ला के वापस से डाल देती हूँ, क्योंकि अब वापस से हो रहा है बारिश का मौसम तो थोड़ा आगे खिसका दिया उनको, और सब थोड़े कोई कोई तो फूट भी गए, किसी किसी में नहीं थे तो मैंने डाल दिए, मनी प्लांट वगैरह भी फूट जाएंगे तो खूब इतने अच्छे हरे भरे हो जाएंगे अब थोड़े दिन में जब बारिश का थोड़ा और पानी मिलेगा इनको। तो देखिए वापस से मैंने बिल्कुल पीछे कर दिया था इनको, सबको आगे करके आज इनकी सफाई की है, सब अच्छे से रखे हैं, तो मुझे थोड़ी हरियाली पसंद है। तो मैं ये चौक की अलमारी खाली होती तो इसके अंदर भी मैं थोड़े छोटे छोटे ये गमले होते हैं, किसी में माली कोई पौधा लेके आता है उसको भी धोके कलर करके और यहाँ रख देती हूँ तो बहुत सुंदर लगते हैं। आ गए हैं किचन में, और किचन में भी देखिए मैंने ये सारे आज सारे ये बोतलें मैंने धोके और मैंने अंदर या नीचे रख दी थी खाली करके, क्योंकि सारे मनी प्लांट यहाँ से इतनी गर्मी आती थी जाली लगी तो उससे ना गर्म हवा से सूख गए, मतलब धूप तो नहीं आई तो भी एकदम सारे सूख गए थे। तो इस मौसम में फिर मैं रख देती हूँ 2 महीने, मई जून ये गमले हटा, मेरे सारी शीशे हटा देती हूँ, अब इनमें वापस धो के पानी भर के बाहर से कोई एक्स्ट्रा डालने पड़ जाती है जैसे बारिश के मौसम में नीचे लटकती उनको मैं लाती हूँ, जिसमें थोड़ी थोड़ी जड़े भी होती है उनको अच्छे से वॉश करती हूँ धोती हूँ, फिर बोतल धो के पानी डाल के फिर इनको डाल दिया। अभी इतनी अच्छी हो जाएगी हरी भरी वापस से, क्योंकि गर्मी करीब करीब खत्म हो गई, अब तो बारिश का सीजन है तो अब ये नहीं जलेंगे, अब ये साल भर चलेंगे, वापस मई जून आएंगे ना फिर मैं इनको हटाऊंगी, तब तक मैंने यहाँ रखती हूँ, मुझे हरियाली पसंद है, मनी प्लांट पसंद है, इधर से उधर पौधे भी बाहर करती रहती हूँ, गमलों में कहीं कुछ डाल दिया, ऐसे चलता रहता है मेरा। तो फ्रेंड्स अभी तो सुबह यही कार्यक्रम चल रहा था, अब आ गए हैं किचन का काम करने, चाय वगैरह तो पहले पी ली थी, बाहर पानी दे दिया, 2-3 दिन से बादल तो आ रहे, बारिश नहीं आ रही है, तो एक दिन अच्छी से तेज हुई थी फिर एक दिन थोड़ी धीमी धीमी हुई, अब आएगी, उमस तो बहुत हो रही है, तो बाहर पानी दे दिया और सब मैं पीले पत्ते तोड़ती हूँ, जंगली घास वो सब करते थे, गमले भी साफ सुथरा होने चाहिए, मुझे हर जगह की सफाई पसंद है। तो अर्जुन के पापा दूध लेके आ गए थे तो दूध भी मैंने गर्म होने रख दिया, साथ ही साथ मैंने रख दिया सब्जियां वगैरह धोके, थोड़ी थोड़ी मंगा लेते हैं, अभी बारिश का सीजन है तो थोड़ी सड़ भी जाती है, हरी सब्जी भी मंगाई है मैंने, चंदलिया पालक वो भी मैंने अंदर रखा है, अभी बाद में साफ करेंगे, आलू प्याज वगैरह सब टोके में मैंने खाली कर दिए हैं, ये सब्जियां धोने की थी तो इनको धोके रखी है, सोच रही हूँ कि शाम को बनाऊंगी शायद पाव भाजी, तो देख लेंगे पाव भाजी बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे, कभी सांभर इडली कभी कुछ बना लेते हैं कुछ कुछ घर पे, तो फिलहाल तो दूध गर्म करके नाश्ते की तैयारी करती हूँ, दादी सबको नाश्ता कराएंगे। तो शाम हो गई है और अब मैं बना रही हूँ पाव भाजी, तो जैसा मैंने बताया ना सुबह सब्जियाँ वगैरह मंगाई है मैंने, प्याज ग्रीन चिली थोड़े खड़े मसाले थोड़े जिंजर इसके अंदर कद्दूकस करके डाल दिए है, यहाँ पे सब सब्जियां बॉईल कर ली थी और मैश कर दिया हमने, इसके साथ दबा दिया इनको, वैसे सॉफ्ट थी 6-7 सीटी लगा दी, इसके अंदर लौकी है शिमला मिर्ची है आलू है पत्ता गोभी है मटर है, और चाहे तो आप लोग और भी कई सब्जियां हैं जैसे कोई गाजर है गोभी है जो भी आपको पसंद है बॉईल कर ली मैंने, और अब ये बना लेंगे इसका मसाला या ग्रेवी जो भी बोलते हैं वो बना लेंगे और उसके अंदर इनको डाल देंगे फिर अच्छे से मैश कर देंगे। और तो अभी एक तरफ रख देती हूँ, पहले मैं ये मसाला बना के तैयार कर देती हूँ, तो प्याज वगैरह तो सब भून गए हैं तो पहले इसके अंदर हम ये वाले मसाले डाल लेते हैं, उसके बाद प्यूरी डालूँगी टमाटर प्यूरी, तो नमक डाल देते हैं और डालेंगे इसके अंदर रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और साथ में हल्दी पाउडर, तो ये सब डालने के बाद अब इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूंगी मैं, थोड़ी सी अच्छा कलर आता है उससे, तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, इसमें कलर अच्छा हो जाता है, ये ज़्यादा तेज भी नहीं होती, और जैसे कि ये मसाला डालते हैं पाव भाजी मसाला मैं तो नहीं डालती हूँ, मैं मेरे ही मसाले डालती हूँ, अब जैसे गरम मसाला सब उसमें यही सब कूटे हुए होते हैं, तो गरम मसाला थोड़ा सा डाल देंगे घर का इसमें होममेड, और साथ ही साथ भुना जीरा पाउडर भी डाल देंगे सब उसमें, जीरा वगैरह और सब पीसा हुआ होता है तो ये भुना जीरा पाउडर थोड़ा हम घर पे डाल देंगे हमारा, तो ये हमारा बन गया है ऑलरेडी पाव भाजी मसाला वगैरह सब तैयार हो जाता है नेचुरल, तो ये थोड़ा भुन गया है तो अब इसके अंदर डाल देंगे ये जो हमारी टोमेटो प्योरी है ये डाल देंगे इसके अंदर। अभी तो मैं ब्लॉग में दिखा रही हूँ, इसकी रेसिपी भी उपलब्ध है मेरे चैनल पे, और मैंने 2-3 तरीके से बना रखी, जैसे सांभर भी 2-3 तरीके से, जैसे ये बॉईल कर लिया मैंने, और कई बार ऐसे होता है जल्दी है फटाफट से बनाना है, सारी सब्जियाँ डाली मसाले डाले सब प्याज व्याज सब भून लें आप और सब सब्जियाँ डाल दें मसाले टमाटर सब मिला के और एकदम से पाव भाजी तैयार, फिर जब खोले ढक्कन तो थोड़ा सा मैश कर लें उसको, तो जैसे अलग से बनाए तो अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, कई तरीके से बन जाती है,
तो फिलहाल तो मैंने ये अलग से बना दिया है, अब बॉईल की भी मैश करके सब्जियां डाल देंगे। तो मसाला हो गया रेडी, तो अब ये जो सब्जियां हमने मैश की थी वो इसमें मिक्स कर देंगे।